सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम मेरा कर दो, मैम मेरा कर दो। अरे शांति रखो, थोड़ी सी तो शांति रखो। मैं सभी का ही तो कर रही हूँ। हर रोज़ एक एक वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, उसको डालना आसान नहीं होता। इट इज़ एन एफर्ट। तो फिर ऐसे में अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और आप शेयर नहीं करते हो तो उसका क्या फ़ायदा है ना। तो फिर आपको आओ देखो तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा के जाया करो और साथ साथ में शेयर का भी बटन दबाया करो, समझे। दिस इज़ वॉट आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल डू। आज हम बात करने वाले हैं ऑल दोज पीपल हु हैव द ईयर नंबर 9। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आया है तो ऐसे में सन 2024 आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा। दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी बिफोर आई बिगिन द वीडियो। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था 11/11 पोर्टल को लेके कि मैम वी वांट टू रजिस्टर। तो जो भी लोग चाहते हैं अभी रजिस्टर करना, उसके लिए मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है 11/11 लाइव वर्कशॉप का, वो आप लिंक क्लिक करके ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैम मनी नंबर्स क्या होते हैं, हमें समझ में नहीं आया मनी नंबर्स। तो मनी नंबर्स ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये हैं ग्रीन एवेंचुरिन जो है क्रिस्टल, इसका नाम है, और इसके मनी नंबर्स होते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक कोडिंग के साथ ये नंबर्स डाले जाते हैं। इनको हम एज वेल्थ नंबर्स भी बोलते हैं, और ये आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, आप अपने जहाँ गुल्लक या जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं, एनी प्लेस, या आप अपने लॉकर में जहाँ आपने ज्वेलरी रखी है वहाँ पे भी रख सकते हैं, एनी प्लेस वेयर एवर यू विश टू एड ऑन दैट, ताकि वेल्थ और आए वहाँ रख सकते हैं। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड, एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल नीटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 21 नवम्बर, 21 नवंबर यानी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट और मंथ लिख दिया, इसके बाद हम आए किस पे, टू डिजिट्स उस ईयर की जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। कौन सा ईयर है? 2024। तो हमने क्या लिया, 2024 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 24 लास्ट के दो नंबर्स लेंगे। अब यहीं पे पॉज करेंगे और कैलेंडर पे जाएंगे, कैलेंडर खोल के देखेंगे हमारा अगले साल डेट, हमारी बर्थ डेट कौन से डे पे पड़ रहा है। मेरा बर्थडे सन 2024 में थर्सडे को पड़ रहा है। तो आप अपनी डेट, बर्थ डेट लिख के, मंथ लिख के आगे उसके सामने लिखेंगे आपका बर्थडे कब पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है, वेंसडे पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है वो वाला आप डे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। हर एक डे का ना एक नंबर होता है, जैसे संडे का 1 नंबर सन का होता है, मंडे का 2 नंबर मून का होता है, ट्यूजडे का नंबर 9 मार्स प्लैनेट का होता है, वेडनेसडे का नंबर होता है 5 जो कि मरकरी का है, थर्सडे का नंबर है 3 जो कि जुपिटर का है, और जो कि मेरा भी नंबर 3 आएगा थर्सडे है, और फ्राइडे को है नंबर 6 जो कि माँ लक्ष्मी का है, एंड सैटरडे को नंबर 8 है जो सैटर्न शनि भगवान का है। अब क्योंकि हर किसी दिन का एक एक नंबर है, तो हमने जिस दिन आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे 2024 में जैसे मेरा थर्सडे को है तो मैं लिख रही हूँ 3। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 21 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 11 मेरा बर्थ ऑफ मंथ है, 11वां महीना नवंबर का है, 24 ईयर है जिसमें मैंने कैलकुलेशन करनी है 2024 का, 24। अब क्योंकि थर्सडे को मेरा बर्थडे था तो उसमें मैंने क्या जोड़ा, नंबर 3। तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे, 21 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 3 टोटल बना 59, 9 प्लस 5 क्या बना 14, 4+1 क्या बना 5, यानी मेरा पर्सनल ईयर नंबर अगले साल है 5, 5। तो चले जी बात करते हैं नंबर 9 की। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो इस साल में क्या होने वाला है। 9 नंबर बात करता है मार्स की, मंगल, हनुमान जी की, मतलब गो गेटर एनर्जी, कहते हैं ना क्षत्रिय वाले गुण की, जो सोच लिया करना है तो करना है, आधी रात सवेर कुछ भी हो जाए करना है। तो इस तरह का माइंडसेट होने वाला है आपका इस साल में कि करना है तो करना है। तो आपकी जितनी भी डिज़ायर्स है ना, आप अपना जी जान लगा देंगे इस साल, क्योंकि आपको वो फुलफ़िल तो करनी है फॉर श्योर। आप कहेंगे मुझे तो करनी ही करनी है। दूसरी चीज़, आप देखेंगे कि आपको सक्सेस का रेट बनिस्पत और सालों के ज़्यादा होगा, आपका फॉर्चून आपके पास काम करेगा, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीशन में आएंगी। जैसे हम क्या बात करते हैं, 1 to 10 जब बोलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लास्ट में आता है, और 9 and 9 and 9 फिर वो साइकिल कंप्लीट होता है। तो आपकी लाइफ के कुछ ऐसे पार्ट हो सकते हैं, एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ इस साल आपकी कुछ साइकिल्स को कंप्लीशन मिलेगा। इट कुड बी गुड और बैड, आई कांट से दैट, बट येस डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में तो कंप्लीशन है। दूसरी चीज़, जो आपके ऐसे दिखते हैं ना लूज एंड्स, कि मतलब
कैसे इसको पूरा करेंगे, वो लूज एंड्स टाई होते हुए दिखेंगे, जहाँ कोई कमी पेशी थी किसी चीज़ को लेकर उसको कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर मैं मतलब समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ कि वो चीज़ें सेट राइट पैटर्न पे जाने लगेंगी। अगर आप उन फील्ड्स में हैं, जैसे आप रिसर्च की फील्ड में हैं, मेडिसिन की फील्ड में हैं, सर्जरी की फील्ड में, तो बहुत आउटशाइन करेंगे, क्योंकि 9 नंबर ना ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, दूसरों के लिए बना है। एक कहते हैं आपकी डायरेक्टली जैसे स्पिरिचुअल कनेक्ट है, आपको समझ में आता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप सब बातें समझते हैं और आप आगे बढ़कर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और एक बहुत प्यारी सी चीज़ है, क्योंकि ये साल 2024 टोटल बनता है 8, और 8 नंबर किसका है, सैटर्न का। सैटर्न हर किसी को कहते हैं ना, ऐसा टास्क मास्टर है, ऐसा टीचर है, स्ट्रिक्ट वाला टीचर है जो झुका देते हैं। मतलब अगर आप अपनी अनख में हैं, अपनी अकड़ में हैं, या आपकी ईगो इतनी स्ट्रांग है, तो वो उस ईगो को नीचे उतार देते हैं 2 मिनट के अंदर, और आपको कहते हैं धरातल पे रहो, धरातल पे रहो, धरातल की तरह से चलो, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करो। आपके पास अगर धन पैसा संपत्ति या आन बान शान आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ने लग जाओ। तो ये साल कोशिश करिएगा आप हवा में ना उड़ें, आप धरातल पे रहें। और ऐसे होने के लिए आप, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन हैं, आपके अंदर वो एक इनहेरेंट क्वालिटी आएगी, प्लस आपको इस साल लगेगा कि आप थोड़ा सा सोशल सर्विस में आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, या आप उनके लिए ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं, और आपकी वो हेल्प वाकई में काबिल तारीफ है। सैटर्न यही टेस्ट करेंगे, तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि थोड़ा सा हवा में उड़ रहा हूँ, या सक्सेस मिल गई तो मैं, मतलब अब मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ या पहचानती नहीं हूँ, तो ऐसे में आपको एक क्रिस्टल काम करेगा जिसका नाम है स्मोकी क्वार्ट्ज, वो आपको वापस ज़मीन से जोड़ेगा। स्मोकी क्वार्ट्ज क्या करता है? स्मोकी क्वार्ट्ज बेसिकली आपको ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है। वो राइट हैंड में आप पहनेंगे, जब जब आपको लगेगा कि ईगो तंग कर रही है, क्लैश कर रही है, और वो सैटर्न तड़ातड़ थप्पड़ भी लगाते चले जाएंगे साथ साथ में, तो ऐसे में आप वो पहन लीजिएगा। चलिए हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, और क्या होने वाला है। आपको बहुत सारे हद तक आपको लगेगा फेवरेबल, आपके हायर अप्स या गवर्नमेंट ऑफिशल्स या जो दूसरे लोग हैं, वो थोड़े फेवरेबल हैं, मतलब आपके लिए हेल्पफुल हैं, आगे बढ़कर आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और ये हेल्प अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, तो एज सैटर्न का साल है ना, तो जितनी आप हेल्प उस कमज़ोर वर्ग के लोगों की करेंगे, उतनी ही हेल्प आपको ऊपर वाला आपसे बड़े लोगों से आपकी करवाएगा। यानी आप समझ के चलिए आप यहाँ सेंटर में हैं, आपको हेल्प किसकी करनी है, उन लोगों की जो आपसे नीचे वाले तबके के हैं। आपकी हेल्प कौन कर रहा है? ऊपर वाला, आपसे ऊपर वालों के तबके के लोगों से। तो सी, दिस इज़ अ साइकिल एंड दिस इज़ अ चेन, और ये इस तरह से चेन चलेगी, एंड आपको मज़ा भी आएगा जितना आप किसी के लिए करेंगे, क्योंकि आप अंदर से तो ह्यूमैनिटेरियन है ना, तो आप तो फॉर श्योर सबके लिए करना चाहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो 9 नंबर होता है ना, काफ़ी सारी आप पुरानी पेंट अप फीलिंग्स और एनर्जीज़ को ना अपने साथ स्टोर बॉक्स में स्टोर मत करिएगा, क्योंकि वहाँ अगर स्टोर होने लगी ना, तो आप परेशान हो जाओगे। उस क्लटर की वजह से आपका जो प्रेजेंट है वो तंग होगा, मतलब आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और आपके दिमाग में बहुत खिचड़ी पकने लगेगी। तो जब आपको लगने लगे मुझे क्लियर विजन नहीं दिख रही, मुझे क्लियर रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उसी समय सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपने स्पेस को देखना है। जो आपका स्पेस, जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वो स्पेस को देख के हुए ये कहना है कि कौन सा ऐसा क्लटर है जो मुझे यहाँ से निकालना है, किस चीज़ को मुझे डीक्लटर करना है। उसको करेंगे, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हद तक बहुत सक्सेस मिलेगी। कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। नंबर वन, आपके अंदर ना बहुत से डाउट्स हैं, मतलब आप बहुत सारे लोगों को बिना बात के लिए डाउट करते हैं, तो आपको इस साल किसी भी चीज़ को पहला सेंटेंस डाउट का नहीं लाना है। पहला सेंटेंस आपको, कितना भी मतलब इंसान ने गलत किया हो, आपको पहला सेंटेंस यही कहना, इट्स ओके, मैं आपको मौका देता हूँ, या इट्स ओके, आई बिलीव इन यू, जो आपने कहा मैं उसको बिलीव करता हूँ। और कहने के लिए बिलीव नहीं करना, एक मौका ज़रूर देना, हो सके तो दो भी दे देना, हाँ बहुत ज़्यादा लगे तो तब समझ जाना। दूसरी चीज़ आपको करनी है, आपको दुनिया, आप ना ह्यूमैनिटेरियन हो, आप दूसरों के लिए कुछ करने आए हो, पर आप ये मत सोचो कि मैं जादू की छड़ी लेके दुनिया बदल दूँ। तो इस साल जहाँ जहाँ आपको लगेगा ना पेन पॉइंट्स हैं, वो बंदे रिप्लेस कर दूँ, चीज़ें रिप्लेस कर दूँ, या वो बदल दूँ, वो दिमाग में मत लाना, क्योंकि आप
वर्ल्ड चेंज नहीं कर सकते। देखो हर किसी का ना अपना पाथ होता है, मैं हमेशा समझाती हूँ, हम सब ने जो बर्थ लिया है कोई तो एक कार्मिक लेसन समझने आए हैं, कोई तो हमारे बर्थ चार्ट के अंदर एक लेसन होगा, हर किसी के कहीं एक दो तीन चार कुछ तो होते हैं ना, हम कुछ ना कुछ तो सीखने आए हैं ना, भगवान ने सीखने के लिए तो भेजा है ह्यूमन लाइफ को बना के, तो उसको समझ लेना, उसको सीख लेना। चीज़ों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की ज़रूरत नहीं है, तिल का पहाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और क्योंकि ये सैटर्न का साल है, आपको बार बार आपकी ईगो पे ठक 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 हथौड़ा लगता रहेगा, इट्स ओके, जब जब लगे समझ जाना भगवान चाहते हैं कि मैं वापस से झुकना शुरू करूं, वापस से मिठास भरूं, नेगेटिव आस्पेक्ट को लेके या पुरानी घिसी पिटी कहानियों के चैप्टर्स को दोबारा मत खोलूं और उनको नहीं देखूं और उनको लेट गो करूं। तो आप जितना उसको लेट गो करेंगे, जितना आप धरातल के साथ ज़मीन के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आपको सैटर्न का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मार्स एंड सैटर्न में अगर कोई इशू होती है तो वो हेल्थ रिलेटेड इशूज़ होती हैं। आप एक चीज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, हनुमान चालीसा सोते समय आँख बंद करिए चलाइए, जस्ट उसमें विलीन हो जाइए, 4 से 5 मिनट ही तो लगेंगे, लेकिन वो 5 मिनट से हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको सैटर्न की हेल्प भी मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको परफेक्शन नहीं ढूंढनी है, आप परफेक्ट हो, आपको अच्छा लगता है परफेक्ट रहना, बट डजंट मीन कि दुनिया के सारे लोग परफेक्ट हैं। हर किसी में किसी ना किसी एरिया लाइफ के में परफेक्शन ज़रूर होता है, लेकिन हर किसी में किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में परफेक्शन नहीं होता है, इट इज़ ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अब चलते चलते एक क्रिस्टल तो मैंने आपको बता ही दिया था, दो क्रिस्टल मैं और बताऊंगी। पहला क्रिस्टल है 7 चक्रास, मैंने इससे कहा ना हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं थोड़ी बहुत, तो कोई चक्रा हो सकता है ब्लॉक आ जाए, कोई किसी ना किसी चक्रा में ब्लॉकेज हो या किसी ना किसी चक्रा में अंडर एक्टिव हो जाए या कहीं ओवर एक्टिव भी हो सकता है। स्पेसिफिकली सेक्रल चक्रा आप लोगों के लिए ओवर एक्टिव भी हो सकता है, और अगर हाँ सेक्रल चक्रा से रिलेटेड ओवर एक्टिव होने पे क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसके लिए मेरी एक प्लेलिस्ट है चक्रास की, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सेक्रल चक्रा का वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा इस आने वाले साल में क्या हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं ऐसे के करने के लिए, 7 चक्रा का ब्रेसलेट हम अपने लेफ्ट हैंड में पहनेंगे जो हमें हेल्प करेगा बैलेंस करने में, राइट। दूसरी चीज़ कार्नेलियन, नो डाउट 9 के लिए कार्नेलियन होता है, गो गेटर होता है, आपकी एनर्जीज होती हैं। अगर आपको लगने लगे कि बहुत पेसिमिज्म भर रहा है तो कार्नेलियन यूज़ करिएगा, अदरवाइज यू विल बी गुड टू गो। एज यू राइट इस साल आपको मैं सजेस्ट करूँगी, एज यू राइट क्या करेगा आपके लिए, एज यू राइट जो है ना आपको एक कहते ना एक कनेक्ट देगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और आपके खुद के वर्ल्ड से, और वो जो बिना बात के जाले दिमाग में लगते रहेंगे ना समय समय पर, वो जाले साफ कर देगा, प्लस आपको अंदर से अलाइन करेगा। तो एज यू राइट इज़ वन क्रिस्टल विच आई विल ऑलवेज 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 सजेस्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु आर हैविंग द ईयर नंबर 9 एज बर्थ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब लगे ना बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत सारा नेगेटिव विचार आ रहा है, तो ब्लू काई नाइट आपकी हेल्प करेगा अगेन उस सारी नेगेटिविटी को क्लेंस करने में। काइनाइट एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है जो नेगेटिविटी हटाता है, इनफैक्ट सेलेनाइट के बाद अगर कोई और क्रिस्टल है जो ऑरा को पॉजिटिव करता है, आपके थ्रोट चक्रा को खोलता है, आपके इंट्यूशन को ठीक करता है, वो है काइनाइट। और उसमें भी काइनाइट में बहुत कलर्स होते हैं, ब्लू काइनाइट जो है वो आपको स्पेसिफिकली हेल्प कर सकता है ऐसे में। तो ये रहा हमारा नंबर 9, ईयर नंबर 9 का। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एन अमेजिंग 2024।